समर किचन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और बड़ी की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ी है, 10 से 15 बड़ी लिया हमने। ये घर की बनाई हुई बड़ी है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ये धनिया की पत्ती है, इसे काट लेंगे। ये दो टमाटर है, इसे बारीक पीस लिया है। ये दो बड़े प्याज हैं, इसे भी पीस लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है। 6 से 7 आलू है, इसे भी हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। ये साबुत जीरा है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये खतरी वाला गरम मसाला पाउडर है, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, और ये सब्जी बनाने के लिए तेल है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम गैस की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, गैस पे कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, गैस ऑन कर लिए हैं। दो बड़े चम्मच तेल डाल लेंगे, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम बड़ी को इसमें फ्राई कर लेंगे। बड़ी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तेल में अब हम आधा छोटा चम्मच जीरा डाल लेंगे। जीरा को थोड़ा चिटकने देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट तक इसे अच्छे से थोड़ा भूंजेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला थोड़ा भुना गया। अब हम इसमें टमाटर डाल लेंगे। हम इसमें सारे मसाले डाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। आप इसे स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच डाल रही हूँ। आप इसे स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही धीमी आंच में छोड़ देते हैं ढक्कन लगा के। चलिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए, हम देखते हैं सब्जी को। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। तेल भी छोड़ दिया है। हम थोड़ी देर इसे और ऐसे ही भूंजेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुंजा गया है। अब हम इसमें बड़ी डाल लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हमने आलू काट के रखे थे उसे भी इसमें डाल लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा ऐसा पानी डाल लेंगे, 1/2 ग्लास मिला लेंगे। पानी
5 से 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी आलू और बड़ी अच्छी तरह से गल जाए। चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम देख लेते हैं हमारी सब्ज़ी कैसे पक रही है। ये देखिए फ्रेंड, सब्ज़ी में से धीरे धीरे से तेल छोड़ रहा है। इसे और ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे अभी जब तक आलू और बड़ी अच्छी तरह से गल ना जाए। इसमें थोड़ा पानी और डाल लेंगे। फिर से इसे ऐसे ही ढक्कन लगा के पकने देंगे। ये फ्रेंड्स 10 मिनट हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारी सब्जी बन के तैयार हो गई है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी में कितनी अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है। हम आलू को ऐसे चम्मच की सहायता से चेक कर लेंगे गल गया है क्या। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू भी टूट रहा है, अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल लेंगे। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला है खत्री वाला। धनिया की पत्ती भी डाल लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड, सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी आलू और बड़ी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।